हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू आर डेली गार्डन ब्लॉग सीरीज़। आज की अपडेट्स देखिए मैं आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इकोनॉमिक सस्टेनेबल तरीका मैं से रीयूज़ करता हूँ एनवायरनमेंट सेविंग। देखिए मैंने ये जैसे कुरकुरे के पैकेट में कटिंग लगाई थी वॉन्डरिंग ज्यू हैंगिंग प्लांटर की, देखिए चल गई है। सिमिलरली मैंने ये केचअप सैशेज जो आते हैं बड़े रीफिल पैक्स, उसमें मैंने लगाया है मैरीगोल्ड। मेरे पास मैरीगोल्ड्स बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे लग गए थे तो मैं उसे ट्रांसफ़र कर रहा था। देखिए हमारा छोटा सा जीट जंगल अपडेट भी है, मैंने वाटरिंग की है अभी। देखिए आज इवनिंग अपडेट भी दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, ये पुदीना की जो सारी कटिंग्स हैं वो मेरी पुदीना से ही हार्वेस्ट मिल जाता है मुझे। मैं जितना हार्वेस्ट करता हूँ उतना ज़्यादा मुझे और पुदीना मिलता है। तो आप कोशिश करें कि जितना आप हार्वेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पुदीना से। यहाँ है हमारा देखिए छोटा जेड जूते लक्ष्मी कमल के साथ उगा है, और छोटे छोटे लक्ष्मी कमल भी हैं। देखिए लक्ष्मी कमल अलग से लगे हैं। ये हमारे करेले की बेल है, ये भी देखिए करेले की इधर लगी हुई है। ये पेरीविंकल ब्यूटीफुल फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ है हमारा कड़ी पत्ता जो कि बहुत ही बुशी हो गया है जो मेरी टिप फॉलो करके। और यहाँ देखिए मैरीगोल्ड्स, कितने सारे मैरीगोल्ड्स लगे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। देखिए कितने सारे मैरीगोल्ड्स हैं। आप मेरे वीडियो ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें मुझे, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी गार्डनिंग की टिप्स ऑन टाइम मिलती रहे। देखिए हमारे तुलसी जी भी बुशी हो गए, कितना ज़्यादा सही ग्रोथ आ रही है। मैं यहीं से कट कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए ये वाली लीव्स बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। यहाँ लगा है ये रेड रोज़, ये मैंने प्लांट कटिंग से लेके आया था और मेरे नीचे छोटे गार्डन में ग्रो किया था। मैंने वो कटिंग जब रूट्स आ गए तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए मैंने, और इसको मैं 2 दिन के अबाउट इसको शेड में ही रखूँगा ताकि ये प्लांट थोड़ा सेटल हो जाए। इधर लगे हैं हमारे लक्ष्मी कमल, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने और आपको लीव्स से उगाने के भी प्रोसेस बताई है एक वीडियो में, तो डू फॉलो माई चैनल एंड ये भी वीडियो को लाइक करें ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको भी आपके गार्डनिंग एंथुसियास्ट हैं जो सपोर्ट मिले और हेल्प मिले। मैं गिव अवेज करता रहता हूँ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सो डू फॉलो मी ऑन दैट ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए हमारे बैंगन और मटर के प्लांट्स भी लगे हैं, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा न्यू अलग अलग पॉट्स में। अरे हमारा ब्यूटीफुल रोज़ तो है ही, देखिए वाइट रोज़, क्रीम रोज़ इनफैक्ट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ है हमारा पुदीना सेम, इसको भी मैं हार्वेस्ट लिया है, और जैसे ही हार्वेस्ट लेता हूँ 1 हफ्ते में वापस ये बुशी हो जाता है। ये हमारी शमी है प्लांट है, देखिए शाम हो जाती है तो इसकी पत्तियाँ झुक जाती हैं। ये देखिए हमारा जेट प्लांट भी लगा हुआ है और एक लक्ष्मी कमल। अभी मैंने इस सारे प्लांट्स पे नीम ऑयल का छिड़काव भी किया है। हर 15 दिन या 10 दिन में आप नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करें, इससे आपके प्लांट्स बहुत सेफ़ रहते हैं पेस्ट अटैक या इंसेक्ट अटैक से। ये देखिए हमारा ये भिंडी का प्लांट है, छोटी सी भिंडी लगी हुई है, इस पर लीफ माइनर का अटैक हो रहा था तो मैंने इसलिए इस पर भी आज नीम ऑयल का छिड़काव कर दिया है। ये हमारा बॉन्जा है, देखिए बॉन्जा प्लांट कितना सुंदर लग रहा है ये। और अपडेट इधर हमारे हैंगिंग प्लांटर्स भी हैं, देखिए वॉन्डरिंग ज्यू लगा है, यहाँ पर लगी है ये हमारी मिर्ची का प्लांट लगा है, ये थोड़े से यहाँ पे एक मैरीगोल्ड लगा है। देखिए इधर हमारा ये है मनी प्लांट, यहाँ पे हमारे देखिए मैंने ये कोलिस को कटिंग से उगाया, ये भी बहुत अच्छे से चला है। और यहाँ पे देखिए ये जो रूट्स दिख रही हैं ये है मैंगो की रूट, मैंने जो भी मैंगो सीड्स रहते हैं तो उसको धो के सुखा के मैंने उगा लिया था। बाकी यहाँ कलैंचोज और कोलियस लगे हुए हैं। आपको और भी किसी अदर टाइप की अपडेट्स चाहिए हो, आइडियाज़ चाहिए हो या टिप्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। डू सपोर्ट मी, या आप इंस्टाग्राम पे भी DM करें मुझे, और @gardeningpoetry मेरा हैंडल है, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग।